मानसा दे विच टिकट नूं लैके कांग्रेस दे अंदर खाते सियासी घमसान है। विधायक नाजर सिंह मानछैया ने टिकट दा दावा ठोकिया कि वो इलैक्शन भी सूबाई लड़ना चाहते ने। नवजोत सिंह सिद्धू नूं टिकट नूं लैके एक वड्डा जिथे अपील की गई तो सिद्धू मूसेवाला नूं टिकट दिते जाण दीआं खबरां दा विरोध किया है। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी गई है तो मुड़ विचार करन दी गल आखी गई है कि इस फैसले नूं मुड़ तों विचारिया जावे। प्लैनिंगा चल रही भी सिद्धू मूसेवाले को मानसा तो टिकट दे के इलैक्शन लड़ाई जाए तो मैं ये समझदा कि जिस बंदे का पहला गाउन बजाउन वेले लोगों वालों क्रिटिसाइज हुंदा रहा उही आपदी गायकी करके जिस तरह का इमेज उन्हें पंजाब दे विच बनाया सी लोगों च बनाया सी उसे दा मजारा उन्होंने पार्टी विच आके करना शुरू करता है कि मैं जे पार्टी ने मैनू टिकट ना दिती तो मैं आजाद चोण लड़ांगा तो यह मर्यादा की उलंघना है। तो मैं पार्टी च हुंदा होया अपनी जिम्मेवारी समझदा कि मैं ये चीज़ां पार्टी के ध्यान च भी लियावां। मैं एक अपना जिहड़ा प्रोटेस्ट लैटर कह लो जां एक आपदी एडवाइस पार्टी नूं भेजी है अपील की है ये मैं चिट्ठी श्री राहुल गांधी जी नूं ध्यान च उन्हें ध्यान च लियाउण वास्ते लिखी है ता कि वह कोई फैसला आपदा रीकनसिडर करन ते नाल इस ते कोई वधिया फैसला लैके पार्टी नूं दी निगरती हालत नूं अप कर ले इहनूं हुण इस तरह का फैसला लै लेना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल सिद्धू मूसेवाला मुलाकात करके आए ने। सो तुहानूं दस दईए कि मैरिट के आधार पर टिकट देने की गल की जा रही है। एक पासे सियासी मिलनियां चल रही ने तो दूजे पासे मानछैया भी इस रेस दे विच ने। हालांकि मानछैया ने 2017 विच आम आदमी पार्टी दे विधायक वजो चोण लड़ी सी। नाजर सिंह मानछैया खुद साडे नाल फोन लाइन जुड़ चुके हैं। मानछैया सब जिस हिसाब नाल तुसी दौड़ च आ चुके हो कि टिकट मैनू देनी चाहिए है पर सिद्धू मूसेवाला की ग्रैंड एंट्री तो की समझी असी। एक पासे तो राहुल गांधी नाल सियासी मिलनियां नवजोत सिंह सिद्धू सिद्धू मूसेवाले दी करवा रहे ने कि लगता है कि कांग्रेस तुहानूं टिकट देगी। मानछैया साहब देखो जिस तक तो तुसी गल कीती है ना तुसी भी रेस च आ गए हो तो मैं तो पहला भी रेस सी मैं आपदा सिटिंग एमएलए हाँ 5 साल तो मानसा दे विच लोकां दी सेवा च जुटिया होया दिन रात। मानछैया साहब जो तुम आम आदमी पार्टी छड़ के कांग्रेस च आए थे कोई कमिटमेंट की कांग्रेस ने कि टिकट दवावे भाई? नहीं इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं सी बट एट द सेम टाइम एक अंडरस्टैंडिंग होंगी है जो थोड़ा लै रहे हैं तो नैचुरली है मैं कोई वधिया परफॉर्म करूंगा उदो 2.5 साल पे सी मेरे हजे ते 2.5 साल परफॉर्म कर वास्ते जानी मतलब टाइम सी ते उस परफॉर्मेंस नूं देख के पार्टी नूं डिसीजन मेरे हक च लैना बनता है। पर सिद्धू मूसेवाला तो राहुल गांधी नाल मुलाकातां कर रहे ने नवजोत सिद्धू मुलाकातां करवा रहे ने। देखो मेरी गल सुनो उपरले लैवल ते की हो रहा है जो ग्राउंड लैवल ते सानूं फीडबैक मिलती है उहदे मुताबक साडी इक जिम्मेवारी हुंदी है पार्टी दे हाई कमांड नूं आपां उहनां ध्यान च लईए ते जे आपां ध्यान च नहीं लियाउण दी जिम्मेवारी समझदे इहनां दी पार्टी नाल कोई धरोक मारे आ ते उही चीज़ मैं उहनां दे ध्यान च लियांदी आ वी इस चीज़ नूं ना मतलब कि जिहड़ा हैगा मुड़ विचार लिया जावे क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की जिहड़ी परफॉर्मेंस है जो उहदी बयानबाजी है पिछले 15-20 दिनां तों नोट की जा रही है वह पार्टी दीआं मर्यादावां दे उल्ट है जो प्रोटोकॉल है उहदे उल्ट है इस इही चीज़ उहनां दे ध्यान च लिया के मैं मंग की है भी मैं इत्थे सिटिंग एमएलए आ 5 सालां तों लोकां दी सेवा कर रहा ठीक है दफ्तर खोलिया होया लोकां दे नाल मैं चंगी तरह कनैक्टड हाँ इस करके मैनूं टिकट दित्ती जावे। नवजोत सिद्धू नाल तुसीं गलबात कीती है क्योंकि सिद्धू अते चन्नी ने सिद्धू मूसेवाला नूं ज्वाइन करवाया सी ठीक है जी। मानछैया साहब गलबात कीती तुसीं नवजोत सिंह सिद्धू नाल? हाँ जी कीती सी उन्हां दी कीती सी चन्नी साहब नूं भी दो वारी मिल के उन्हें ध्यान च लिया गया भी इहनूं रीकनसिडर कर लो रीथिंक करो कुछ कहा उन्हां ने फिर ओही कहिंदे सी भी गल करांगे जी असीं आस च बैठ के गल करांगे जी ते जो हुण इत्थे तक गल पहुंच ही गई है तां फिर मैनूं मेरी मैं अपने आप जिम्मेवारी समझते हुए मेरा फर्ज बनता है भी मैं हाईकमांड के ध्यान च लेवां।
अच्छा मानसैया जी, जेकर इस तरह होंगे कि सिद्धू मूसेवाला नूं टिकट दे के ग्राउंड तो उतारा जाता है तो फिर रिएक्शन की रहेगा, कांग्रेस च रहोगे? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਾਅਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।